वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने पैटर्न से रिलेटेड पिरामिड पैटर्न को हमने प्रिंट करके देखा था। आज हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक से मेरा अगर इंटरव्यू सीरीज नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके आप इंटरव्यू सीरीज जाकर देखिए और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। मैं इस प्लेलिस्ट में वो सभी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन डालता रहूंगा जो आपके इंटरव्यू प्रोसेस में जरूरी है, ठीक है। और अगर आप अभी तक से मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं दोस्तों लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ। अगर आप भूल जाते हैं तो आप सबसे पहले आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी कोई भी फ्यूचर में वीडियो आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखते हैं, हम पिरामिड पैटर्न हमने लास्ट टाइम प्रिंट किया था, इस बार हम क्या करेंगे, हम एक नेम पैटर्न को प्रिंट करके दिखाएंगे, क्योंकि नेम पैटर्न भी बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम अपने कोडिंग विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे, कौन सा लॉजिक लगा के भाई हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग में हम नाम देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ, मैं अपना नाम दे देता हूँ, लेट्स से संदीप। संदीप कुमार, ठीक है, संदीप कुमार, जी हाँ दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार है। अभी तक से आपने मेरा नाम नहीं जाना होगा लेकिन आज के बाद आप मेरा नाम जान चुके हैं, तो आप मुझे संदीप के भी नाम से बुला सकते हैं। और हम एक काउंट करके वेरिएबल बना रहे हैं। इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हम काउंट लेंगे किसका, स्ट्रिंग का, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में और पिछले पैटर्न के वीडियो में भी हमने लॉजिक्स में हम क्या करते हैं, हमारा फेवरेट फोर लूप, तो हम फोर लूप चलाएंगे, डॉलर आई जो है उसे हम लेंगे क्या, जीरो, डॉलर आई जीरो लेंगे और डॉलर आई इज लेस देन डॉलर काउंट डॉलर आई प्लस प्लस, ठीक है। यानी हमारा जो आई की वैल्यू है वो जीरो है और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू काउंट से क्या ना हो जाए, बड़ी हो जाए। अगर काउंट से वो छोटी रहेगी तो फिर वो इस पे जाएगा आई आई प्लस प्लस पे, इसका मतलब वो हर बार आई की वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस वन कर देगा। देन वी यूज नेस्टेड लूप, यानी लूप के अंदर लूप हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें डॉलर जे हम ले गए और डॉलर जे को भी हम क्या रखेंगे, जीरो जीरो रखेंगे और डॉलर जे को हम लेस देन कर देते हैं कितने से, लेस देन एंड इक्वल्स टू डॉलर आई, ठीक है। और फिर डॉलर जे को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही, हम प्लस कर देंगे वन वैल्यू से और कर्ली ब्रैकेट मारेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि एको कर देंगे, अगर हमारे कोई ये कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है तो हमें डॉलर स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए, ठीक है, डॉलर स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए और इसके अंदर हमारा क्या होगा, डॉलर जे होगा, क्या होगा दोस्तों, जी हाँ डॉलर जे होगा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ कोड तैयार हो गया है, लेकिन हाँ एक स्पेस लगा देते हैं ताकि अच्छे से हमारा कोड दिख सके, पैटर्न एकदम मस्त रापचिक दिखे, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं अपने कोड में।
चलिए देखते हैं। नहीं, एक जगह हमको ये एरर बता रहा है। ओके, एरर तो अपना दोस्त है, एरर को कैसे हम बोल सकते हैं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, देखते हैं ये कोड रन होता है, अभी भी एरर दे रहा है ये हमको, पता नहीं क्या दे रहा है। अच्छा अच्छा जी, स्क्वायर ग्रिड मांग रहा है। बिल्कुल नहीं, राउंड ब्रैकेट्स में ही तो ये रहेगा। लेकिन ये ले नहीं रहा है, उस पर प्रॉब्लम हो गई। सॉरी सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पे काउंट ले रहे हैं और ये है स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ लेंगे ना। अब ठीक हुआ कोड, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, चेक करते हैं हम अपने कोड को कि क्या ये सही प्रिंट हुआ है। देख सकते हैं बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है, और मैं इसको क्या करता हूं, एको कर देता हूं प्रिंटिंग प्रिंटिंग द नेम, और यहां एको कर देते हैं बीआर से। तो आप देख सकते हैं मेरा नेम क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है जी, बिल्कुल प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम इस लॉजिक का यूज करके हम अपने पैटर्न नेम पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्या बनता है कि पैटर्न को हमें रिवर्स करके दिखाओ। तो पैटर्न को रिवर्स करने के लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, सिर्फ हमें जीरो हटाना है, जीरो हटाना है और यहाँ पर डॉलर काउंट कर देना है, और जो ये डॉलर काउंट है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हमें डिलीट करना पड़ेगा दोस्तों। एंड हमें आई जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। एंड यहां पर क्या होगा, हर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हर बार एक वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एंड फिर जब हम दूसरे लूप में अपने इनर लूप में जाएंगे तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बस लेस देन ऑफ आई होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन ऑफ
आई आई होनी चाहिए और फिर ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब ये हम इसको हेडिंग में डाल दे क्या, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कट, और यहां से हम हेडिंग में इसको डाल देंगे। ठीक है, रिवर्सिंग, कंट्रोल प्लस एस किया हमने, सेव किया एंड देन वी लोड आर पेज एंड देन वी सी। यस, और इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने नाम को रिवर्स भी कर लिया। तो इस लॉजिक का आप यूज करके पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मैं आपको वीडियो के शुरू में भी और वीडियो के अंत में भी बोलता हूँ कि यार सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस एक मिनी सेकंड भी टाइम जाता होगा, बस सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को दबा दिया। और प्लीज दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो हम इस इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे और भी क्वेश्चन इसमें डालते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।